वेलकम ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट। तो जब भी हम कॉन्क्रीट बनाते हैं तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को एक बैग सीमेंट के लिए स्पेसिफाई करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो बाय डेफिनेशन मींस इट इज वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। और सीमेंट का जो एक बैग का वजन है हम 50 किलोग्राम लेते हैं, तो दिस इज वाटर सीमेंट रेशियो विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर to the weight of cement, that is 50 kg for one bag of cement। अगर एक बैग के लिए आप मिक्स तैयार कर रहे हैं तो weight of cement is 50 kg। अब आमतौर पर जब मिक्स डिजाइन हम करते हैं तो वहाँ पर हम वाटर सीमेंट रेशियो स्पेसिफाई करते हैं। तो सपोज कर लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो हमारा किसी मिक्स का 0.4 है और एक बैग के लिए आप बैचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 है और वेट ऑफ सीमेंट इज 50 किलोग्राम। तो इस रिलेशन से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं जो कि इस मिक्स के लिए हम फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में वेट ऑफ वाटर कितना आएगा हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट, दिस इज 0.4 इंटू 50, यू विल गेट 20 लीटर्स। अब ये जो 20 लीटर्स आया हमारा वाटर, इसका प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है कि जब एक बैग के लिए आप मिक्स बनाएंगे तो उसमें 20 लीटर्स पानी आप ऐड करेंगे, और जब पानी इतना हम ऐड करेंगे तो ये वो क्वांटिटी है विच इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। उस केस में क्या होगा, जब कंक्रीट फ्रेश होगा तो हमारे को अच्छी वर्केबिलिटी मिलेगी, कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए होगा, कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा, लेकिन कंक्रीट के अंदर इतना पानी होगा कि वो सारे के सारे कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स को लुब्रिकेट कर दे, जो कि हार्ड और हार्डनिंग और सेटिंग होने के बाद अच्छी स्ट्रेंथ हमारे को दे। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि सीमेंट के अंदर अल्टीमेटली क्या स्ट्रेंथ आनी है या कंक्रीट की क्या क्वालिटी हमारी बनेगी उसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपने प्रॉपरली यूज़ किया है उसके अंदर, तो यू विल बी गेटिंग ए गुड क्वालिटी कंक्रीट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उससे रिलेशन है। अब वो रिलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के क्यूब कास्ट करते हैं और उनकी 28 दिन की स्ट्रेंथ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उनकी निकालते हैं, और अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर सेम रेशियो का कंक्रीट मिक्स बना करके क्यूब्स हम कास्ट करते हैं और उनकी सभी क्यूब्स की स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद हम चेक करते हैं। फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग। तो वो ग्राफ जो है हमारे को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और मैं आपके साथ वो ग्राफ शेयर करता हूँ जिससे कि आप स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को आप थोड़ा समझ पाएंगे कि जब हम इसको प्लॉट करते हैं किसको, आपने कंक्रीट मिक्स तैयार किया, कंक्रीट की क्यूब्स कास्ट किया आपने, और वो क्यूब्स अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करके सेम कंक्रीट मिक्स के लिए आपने तैयार की। तो इस ग्राफ के अंदर मैंने दिखाया है पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये जो है इन केजी पर सेम स्क्वायर।
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका है वाटर सीमेंट रेशियो। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो के साथ कंपेयर करना है या वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेट करना है, तो जो आपका कंक्रीट क्यूब्स हम जो बनाएंगे वो हमारी फुल्ली कंपैक्टेड होना चाहिए कंक्रीट। तो फुल्ली कंक्रीट कंपैक्टेड कंक्रीट को हम चेक करेंगे अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, और फिर उनकी जो स्ट्रेंथ आएगी हमारी 28 डेज के बाद उनको नोट करेंगे, और उनके बीच में ये हमारे को ये ग्राफ मिलता है। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड क्यूब स्ट्रेंथ कर्व। दैट ग्राफ विल शो दैट हाउ स्ट्रेंथ वेरीज विद डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो। अब इस ग्राफ से एक चीज क्लियर है आपको कि जब हमारा सपोज कर लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो 1 है, तो यहां देखिए स्ट्रेंथ हमारी बहुत कम मिल रही है। हमारे को स्ट्रेंथ ऑन दिस ग्राफ इज लेस देन 100 kg पर cm स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे, सपोज कर लीजिए आप 0.8 किया आपने, तो 0.8 के ऊपर हमारे को 200 के आसपास, 200 से थोड़ी कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है 28 दिन के बाद। अब वाटर सीमेंट रेशियो को और कम कर दिया आपने और आप इसको ले गए 0.4 के आसपास। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि नियर अबाउट 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो तक ये जो ग्राफ है हमारा ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने कंक्रीट जो क्यूब्स कास्ट की है उनका कंपेक्शन हैंड कंपेक्शन मेथड यूज करके किया है, या मैनुअल कंपेक्शन जिसको बोलते हैं, क्यूब्स को आपने मैनुअली कंपैक्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि 0.4 इज ए लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो जहाँ तक हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर 0.4 से अगर वाटर सीमेंट रेशियो को फर्दर रिड्यूस करें हम, तो हमारा ग्राफ नीचे आ जाता है। ऐसा कब होता है? व्हेन कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय हैंड मेथड, या कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय मैनुअल कंपेक्शन। तो मैनुअल कंपेक्शन में क्या होता है कि पुअर कंपेक्शन होता है कंक्रीट का। तो इस वजह से क्या होगा कि 0.4 के आसपास जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होगा और इसको हम फर्दर नीचे लाना चाहें और कम करना चाहें, तो हमारा ग्राफ डाउन आ जाता है। मींस कि देर इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन कंपेक्शन इज डन बाय हैंड। उस केस में देर इज ए लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो नियर अबाउट 0.4 एट विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, एंड ऑन फर्दर रिड्यूसिंग वाटर सीमेंट रेशियो देर इज ए शार्प फॉल इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब अगर हमारे को यहाँ 0.4 से भी कम वाटर सीमेंट रेशियो करना है और स्ट्रेंथ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हैंड कंपेक्शन की बजाय मैकेनिकल कंपेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं कंपेक्शन बाय वाइब्रेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो वाइब्रेटर्स होते हैं या मैकेनिकल कंपेक्शन होता है, उस केस में कम वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर भी मिक्स को हम वर्केबल बना सकते हैं वाइब्रेशंस दे के। तो उस केस में हम 0.3 के आसपास या 0.35 के आसपास वाटर सीमेंट रेशियो हम कम कर सकते हैं 0.35 तक, और स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें भी देर इज ए लिमिट, कि एक लिमिट के बाद वाटर सीमेंट रेशियो को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि उस लिमिट से अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो वो उस के सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए इनसफिशियंट होगा और हमारी क्यूब स्ट्रेंथ गिर जाएगी। So this is a very important curve which shows relation between compressive strength of cubes after 28 days of curing under standard conditions and at different water cement ratio. So is curve se is graphical jo hamara curve hai isse hamara ko inki relations samajh mein aa rahi hai.
रिलेशन समझ में क्या आ रही है। नेट हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम वाटर सीमेंट रेशियो कम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा संबंध है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। दिस रिलेशन इज शोन बाय दिस ग्राफ। तो इसी तरह हम अगला जो इसमें ग्राफ लेंगे वो लेंगे कि अलग अलग टाइप के सीमेंट जब हम यूज करते हैं तो उस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का या सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है पैरामीटर है उसका क्या रिलेशन बनता है उसके साथ। तो ये हम ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन वाटर डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। लेकिन फ़र्क क्या है, इसके अंदर आपने तीनों ग्रेड की सीमेंट ओपीसी सीमेंट यूज़ किया आपने। तो सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है कि दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स द क्यूब्स विच आर कास्टेड बाय 33 ग्रेड सीमेंट। 33 ग्रेड की सीमेंट की क्यूब्स आपने कास्ट की है तो ग्राफ हमारे को ऐसा मिलता है एट डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो। जब 43 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो। सपोज 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो है तो यहाँ देखिए 33 ग्रेड पे स्ट्रेंथ कम आ रही है और 43 ग्रेड पे ज़्यादा आ रही है। इसी तरह जब हम 53 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करेंगे तो फर्दर हमारी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा आएगी। तो एट द सेम वाटर सीमेंट रेशियो बाई यूजिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट वी कैन अचीव डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसलिए 53 ग्रेड की सीमेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा कम वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी हो। इसी तरह जो हमारा सेंट्रल सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी अलग अलग डिज़ाइन मिक्सेस के लिए स्टैंडर्ड मिक्स के लिए इन्होंने 7 डेज का स्ट्रेंथ डिज़ाइन कर रखे हैं। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज़ द डिज़ाइन कर्व फॉर सीमेंट कंक्रीट इन रिलेशन टू द 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 44/1972 एट ए डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो। तो जो अपना ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन जो है के लिए मिक्स डिजाइंस कर्व उन्होंने डाल रखे हैं। इन कर्व्स को आप यूज़ करके आप 7 डेज स्ट्रेंथ जो है ना एट डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो आप इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपको 300 स्ट्रेंथ चाहिए पॉइंट सपोज कर लीजिए 0.7 वाटर सीमेंट रेशियो पे, तो ये 300 आपको ये कोई भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको। सपोज यू वांट 200 स्ट्रेंथ एट 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो, तो ये यहाँ मिलेगी आपको इस कर्व के ऊपर। इसी तरह आप 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो ये कर्व आप ले लेंगे, 300 के आसपास चाहिए आपको तो ये कर्व आप ले लेंगे। तो दीज आर द स्टैंडर्ड डिजाइन कर्व्स विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो रिलेशनशिप्स। तो किसने वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या स्ट्रेंथ आपको 7 दिन के बाद मिलेगी उनके लिए स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं ये। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड डफ अब्राहम लॉ, या जिसको हम बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। तो ये हमारा है डफ अब्राहम लॉ, वाटर सीमेंट रेशियो लॉ भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है, डफ अब्राहम ने काफ़ी
स्टडी की है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने एक लॉ बनाया फिर वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ को रिलेट करके एक लॉ उन्होंने तैयार किया, लॉ बनाया, दैट लॉ इज कॉल्ड डफ इब्राहिम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। और इस लॉ के हिसाब से उन्होंने स्थापित किया कि जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट मिक्स की या उसकी कोई और हमारी रिक्वायरमेंट है कंक्रीट मिक्स में से, वो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपरली चेक कर लें, वाटर सीमेंट रेशियो को हम कंट्रोल कर लें, तो वी विल गेट ए कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड ऑफ डिजायर्ड पैरामीटर्स। आमतौर पर क्या माना जाता है, आमतौर पर ये हम अज्यूम करते हैं कि अगर कंक्रीट में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो ज़्यादा सीमेंट यूज़ हम करेंगे जिससे हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन डफ इब्राहिम ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या स्थापित किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या स्थापित किया कि स्ट्रेंथ एंड अदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ एंड अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रेंथ एंड अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, प्रोवाइडेड अदर इंग्रेडिएंट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, दैट इज एग्रीगेट वाटर, एग्रीगेट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हों, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, और ये सारा काम कंक्रीटिंग का काम हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में करें, तो उसने क्या स्थापित किया कि जो स्ट्रेंथ है या उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कंक्रीट की, दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ नेट वाटर यूज्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। इस लॉ के हिसाब से डफ इब्राहिम ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये फार्मूला दिया, एंड दिस फार्मूला इज बेस्ड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 948 बाई 7 की पावर एक्स। नाउ एस क्या है, एस क्या डिनोट कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग, एंड एक्स इज द वाटर सीमेंट रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इसको वाटर सीमेंट रेशियो को यूज करके वी कैन फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स है वो बहुत कुछ वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर आधारित है, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आजकल, अब ये 1918 में इन्होंने ला दिया था, लेकिन आज के दिन हम बहुत सारे सीमेंटेनियस मटेरियल्स भी हम यूज़ करते हैं सीमेंट का बाइंडिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कंक्रीट के बाइंडिंग एक्शन को बढ़ाने के लिए, तो सीमेंटेशियस मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और कुछ एडमिक्सचर्स भी हम यूज़ करते हैं, बाइंडर्स हैं, एडमिक्सचर्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं, जिस प्रकार से कि फ्लाई ऐश हो गया, स्लैब हो गया, सिलिका फ्यूम्स हैं, राइस हस्क, ये हम ऐड करते हैं जिससे कि उसकी जो सीमेंटेनियस वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जो बाइंडिंग एक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है कंक्रीट का। इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन में जो डफ इब्राहिम जो लॉ था हमारा, वो आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, और आप उसको ये कह सकते हो कि दिस इज़ लॉ बिटवीन वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल्स, और वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स विच आर एडिड इन एडिशन टू द सीमेंट। इसके बाद ये जो डफ इब्राहिम लॉ है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मींस कि कुछ इसकी खामियां हैं, और इनको एग्जैक्टली हम खामियां नहीं कह सकते, बट देर आर सर्टन कंडीशंस, अगर वो कंडीशन हम फुलफिल करते हैं देन एंड ओनली देन दिस डफ इब्राहिम लॉ इज एप्लीकेबल। अब वो चार कंडीशंस हैं, उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द स्पेसिमन। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट की आपने मान लो 3 क्यूब कास्ट की, तो डफ इब्राहिम लॉ के हिसाब से
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगी। वो कब डिपेंड करेगी? व्हेन ऑल द थ्री क्यूब्स आर हैविंग सिमिलर इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस, यानी कि तीनों क्यूब्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एक जैसा होना चाहिए। और फिर हम तीनों क्यूब्स को 28 दिन के बाद जब हम चेक करेंगे तब डफ एब्राहम लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर किसी भी स्टेज पर इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस अलग अलग होगी उनकी, फिर हम तीनों क्यूब्स को डफ एब्राहम लॉ के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते स्ट्रेंथ पर्पस के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। तो 28 दिन का जो टाइम पीरियड है हमारा, 28 दिन तक वो कंक्रीट क्यूब्स जो है वो बिल्कुल हमारी मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब उनके जो पोर्स हैं उनमें भी नमी होनी चाहिए, किसी भी स्टेज में वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बीच में कंक्रीट क्यूब्स हमारी ड्राई होगी तो हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है सीमेंट और पानी का केमिकल रिएक्शन जिसमें होता है जिससे कि क्यूब्स में स्ट्रेंथ आती है वो स्टॉप हो जाएगा। तो डफ एब्राहम लॉ के हिसाब से अगर आप स्ट्रेंथ को वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेट कर रहे हो तो पहली कंडीशन क्या है कि इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सैंपल्स, तब जाके उनका उसको आप कंपेयर कर सकते हो स्ट्रेंथ के लिए। और तीनों क्यूब्स के अंदर जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो एक यूनिफॉर्म रेट से होना चाहिए। अब सेकंड जो चीज़ है इसमें, सेकंड कंडीशन क्या है, दैट कंक्रीट स्पेसिमेन टू बी क्योर्ड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कंक्रीट स्पेसिमेन शुड बी ऑफ द सेम साइज, एंड फोर्थ इज कंक्रीट स्पेसिमेन टू बी ऑफ सेम एज। अब ये पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, सेकंड कंडीशन है कंक्रीट स्पेसिमेंस टू बी क्योर्ड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब इसमें पहला हम देखेंगे, पहली जो है इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस में इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन हाइड्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि उसके अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट के अंदर इतना हमारा मॉइस्चर होना चाहिए कि ईच एंड एवरी पार्टिकल गेट हाइड्रेटेड, और वो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस यूनिफॉर्म रेट से चले। तो जब तक हाइड्रेशन प्रोसेस चलेगा कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी। किसी स्टेज पे हाइड्रेशन प्रोसेस बंद हो जाता है, यानी कि कंक्रीट की क्यूब्स आपकी सूख जाती है तो हाइड्रेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा, तो उस केस में फिर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी आपकी रुक जाएगी। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दैट इज इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस शुड बी यूनिफॉर्म, वो चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी सैंपल्स हैं हमारे, जितने भी क्यूब्स आपको चेक करनी है, उनमें इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस एक जैसी हों ताकि उनका जो प्रोसेस है यूनिफॉर्म रेट से हाइड्रेशन हो, तब जाके हम उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेट करेंगे। अदरवाइज तब जाके जो वाटर सीमेंट रेशियो लॉ है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन है कंक्रीट स्पेसिमेन टू बी क्योर्ड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर कंक्रीट हम बनाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, तो उस केस में क्या होगा, इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर फास्ट हाइड्रेशन रेट होगी, और फास्ट हाइड्रेशन रेट की वजह से क्या होगा, रैपिड क्रिस्टलाइजेशन होगा और जेल फॉर्मेशन भी स्पीड से होगी। क्या होता है जब कंक्रीट के अंदर पानी ऐड करते हैं तो शुरू में वो टोटली प्लास्टिक होता है, और जैसे ही हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो पानी कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, एक जेल फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, स्पीड से हाइड्रेशन होगा, स्पीड से हाइड्रेशन होगा तो जेल फॉर्मेशन भी जल्दी होगी,
और जब कोई चीज़ जल्दी बनेगी तो उस केस में क्या होता है, उसकी जेल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वीक पड़ जाती है, जिससे कि हमारा कंक्रीट पोरस और कमज़ोर होगा। दूसरी तरफ अगर लो टेम्परेचर रखते हैं हम, लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि हाइड्रेशन प्रोसेस यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, और यूनिफॉर्म रेट से ही चलना चाहिए। अगर कंक्रीट के अंदर हम चाहते हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ मिले हमारे को, तो हाइड्रेशन प्रोसेस मस्ट गो स्मूथली एट ए स्लो रेट, एट ए यूनिफॉर्म रेट। उस केस में क्या होता है, जेल फॉर्मेशन जो होगा अच्छा होगा और उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छी होगी, एंड वी आर एबल टू गेट गुड क्वालिटी कंक्रीट। जो भी कंक्रीट बनेगा हमारा, वो हमारा मजबूत होगा, साउंड होगा, नॉन पोरस होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आइडियल जो टेम्परेचर है हम रखते हैं 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम टेम्परेचर वाली कंडीशंस को देखते हैं, तो जितने के ये टेम्परेचर वाली कंडीशन का के हिसाब से तो स्ट्रेंथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तब एप्लीकेबल है जब सारे के सारे सैंपल्स सेम टेम्परेचर के ऊपर आप मेंटेन करें 28 दिन तक। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑल द स्पेसिमेंस फॉर कंपेयरिंग स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर सीमेंट रेशियो मस्ट बी क्योर्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी हम उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। और थर्ड जो हमारी कंडीशन है, थर्ड जो हमारी कंडीशंस थी इसके अंदर, वो थी हमारी इफेक्ट ऑफ एज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इफेक्ट ऑफ एज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम सैंपल टेस्ट करें उनकी एज भी एक जैसी होनी चाहिए। एज से मतलब है कि जैसे कि हम 28 डेज की स्ट्रेंथ मानते हैं, तो आपने मान लो एक सैंपल टेस्ट किया 7 दिन के बाद, दूसरा सैंपल किया आपने 28 दिन के बाद, और तीसरा भी आपने 28 दिन के बाद, तो हम तीनों क्यूब्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। इस कंडीशन के हिसाब से क्या है कि जो स्पेसिमन्स हैं दे मस्ट बी टेस्टेड एट द सेम एज, यानी क्यूब आपने कब कास्ट की उसके ठीक 28 दिन बाद हम हर एक सैंपल को टेस्ट करेंगे, तब जो स्ट्रेंथ आएगी वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से, दैट्स स्ट्रेंथ विल बी कंपेरेबल। इफेक्ट ऑफ एज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसी तरह आ जाता है इफेक्ट ऑफ साइज। इफेक्ट ऑफ साइज के अंदर क्या आ जाता है कि जो भी आप स्पेसिमन चेक करें उनका साइज भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज डफ एब्राहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए आपने 3 क्यूब कास्ट की हैं और तीनों क्यूब्स अलग अलग साइज की है, तो वहाँ पर डफ एब्राहम लॉ साइलेंट हो जाएगा, वहाँ पर डफ एब्राहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्योंकि डफ एब्राहम लॉ में कंडीशन है कि ऑल द स्पेसिमेंस विच आर टू बी टेस्टेड मस्ट बी ऑफ द सेम साइज, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब्स रिकमेंड की गई है इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। 15 सेंटीमीटर क्यूब्स हम कास्ट करते हैं और उनको 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 दिन तक क्योर करते हैं, उसके बाद हम उनकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो देन दैट स्ट्रेंथ विल बी कंपेरेबल बेस्ड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आपने 15 सेंटीमीटर से कम साइज की क्यूब्स ले ली, तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल साइज जब क्यूब्स का होता है तो वहाँ हमारी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ कंडीशन दैट ऑल द स्पेसिमन शुड बी ऑफ द सेम साइज, यानी कि 3 आपने सैंपल लिए तो तीनों के तीनों सैंपल आपके 15 सेंटीमीटर क्यूब्स के होने चाहिए, देन एंड ओनली देन दिस डफ एब्राहम लॉ इज एप्लीकेबल। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, वी विल मीट सून।
फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. इससे पहले हालांकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है डफ एब्राहम लॉ, ये मेनली वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर आधारित है और इस लॉ के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल करेगा. हालांकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कई चीज़ दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि चेंज ऑफ सीमेंट. अगर आप कंक्रीट की अलग अलग क्यूब्स कास्ट करते हैं और अलग अलग सीमेंट से आप कास्ट करते हैं तो भी हमारी जो है स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी. डफ एब्राहम लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो सीमेंट के रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा. या हम कर दें चेंज ऑफ एग्रीगेट क्वालिटी. हम तीन क्यूब भरते हैं तो उनमें अलग अलग एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी फिर डफ एब्राहम लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डफ एब्राहम लॉ तब एप्लीकेबल है जब हम सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ऑल क्यूब्स के लिए. क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है या दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो एग्रीगेट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कि एग्रीगेट का शेप है, साइज है, ग्रेड है या सरफेस स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को प्रभावित करती है. या कई बार हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं तो एडमिक्सचर जहाँ यूज होंगे तो वहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो लॉ साइलेंट हो जाएगा. इसी तरह एंट्रैप्ड एयर कंक्रीट होता है तो वहाँ पे एंट्रैप्ड एयर भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को प्रभावित करती है. और इसी प्रकार से क्यूरिंग ड्यूरेशन भी अगर अलग अलग है और अलग अलग एनवायरनमेंट में आप क्यूरिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स ऑल.